स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, नेचर ने इंडिया को कई रिवर्स की सौगात दी, जिनमें से 12 रिवर्स ऐसी हैं जिन्हें इंडिया की मेजर रिवर्स के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। इन सभी 12 रिवर्स का टोटल कैचमेंट एरिया 252.8 मिलियन हेक्टेयर है। प्राइमरली इंडिया के रिवर्स को प्लेस ऑफ ऑरिजिन के अकॉर्डिंगली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय से ऑरिजिनेट होने वाली तीन मेजर रिवर्स हैं, जिनका नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। वहीं पेनिनसुलर रीजन की मेजर रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को माना जाता है। ये सभी रिवर्स ईस्ट वार डायरेक्शन में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। वहीं कुछ पेनिनसुलर रिवर्स जैसे नर्मदा, तापी और माही वेस्ट वार्ड फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक गोदावरी की बात करेंगे, जहां हम गोदावरी रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे। गोदावरी कहां से ओरिजिनेट होती है और उसका एंड पॉइंट क्या है, इस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और आखिर ये सप्त गोदावरी क्या है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस GS1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी आईक्यू के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि यूपीएससी सीएससी 2024 में आपको अपने कॉम्पिटिशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को एंश्योर करने के लिए स्टडी आईक्यू अपना लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 9th ऑफ मार्च से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। दोस्तों, गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, वहीं गंगा के बाद ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर भी है। यही वजह है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी रिवर की टोटल लेंथ करीब 1465 किलोमीटर है। इसका बेसिन नॉर्थ में सतमाला हिल्स, साउथ में अजंता रेंज और महादेव हिल्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स से घिरा हुआ है। गोदावरी रिवर तीन स्टेट्स यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, जबकि इसका ड्रेनेज सिस्टम महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के सेंट्रल रीजन के छोटे हिस्सों में फैला हुआ है। दोस्तों, गोदावरी का ड्रेनेज एरिया 312,812 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें महाराष्ट्र में इसकी टोटल ड्रेनेज एरिया का 48.6%, तेलंगाना में करीब 20%, मध्य प्रदेश में 10%, आंध्र प्रदेश में 3.4%, छत्तीसगढ़ में 10.9%, उड़ीसा में 5.7% और कर्नाटका में इस रिवर का 1.4% एरिया फैला हुआ है। यानी इस रिवर का ड्रेनेज एरिया इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का अप्रॉक्सीमेटली 9.5% है। दोस्तों, गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के नाशिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिंबक पहाड़ी से ऑरिजिनेट होती है। त्रिंबक को त्रिंबकेश्वर हिल्स या ब्रह्मगिरी हिल्स भी कहा जाता है। ये जगह 1067 मीटर ऑल्टीट्यूड पर है, जो कि वेस्टर्न घाट पर सिचुएटेड है। वेस्टर्न घाट के रेंजेस को सह्याद्री रेंजेस के नाम से भी जाना जाता है। रिवर गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट अरेबियन सी से मात्र 50 मील यानी करीब 80 किलोमीटर दूर है। गोदावरी त्रिंबकेश्वर से निकलने पर ईस्टवार डायरेक्शन में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। अपने ओरिजिन से करीब 64 किलोमीटर आगे बढ़ने पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में दारणा नाम की एक ट्रिब्यूटरी गोदावरी से आकर मिल जाती है। दोस्तों, दारणा रिवर सह्याद्री पीक के कलसुबाई रेंज से राइज होती है और नासिक में गोदावरी के राइट बैंक में ज्वाइन होती है, यानी दारणा गोदावरी की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए गोदावरी का मिलन प्रवरा से होता है। प्रवरा रिवर मूला नाम की एक दूसरी रिवर से मिलने के बाद गोदावरी में आकर विलीन हो जाती है, जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। प्रवरा रिवर भी वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होती है और करीब 208 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में प्रवरा संगम नाम की जगह पर गोदावरी में ज्वाइन होती है। इसके बाद गोदावरी रिवर का रूप विस्तृत होने लगता है। आगे बढ़ने पर गोदावरी रिवर पर पूर्णा रिवर आकर मिलती है, जो कि गोदावरी की एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। पूर्णा रिवर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता रेंज से ऑरिजिनेट होती है और करीब 373 किलोमीटर का सफर तय करने पर परभणी डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी से मिल जाती है।
इसी दौरान दुधना नाम की एक स्मॉल रिवर पूर्णा को ज्वाइन करती है। पूर्णा रिवर का पानी लेकर आगे बढ़ती हुई गोदावरी महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच बॉर्डर बनाती हुई निजामाबाद के पास तेलंगाना में एंटर करती है। तेलंगाना में मंजीरा रिवर निजामाबाद के पास बसारा नाम की जगह पर गोदावरी रिवर को ज्वाइन करती है, जो गोदावरी की एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा रिवर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में बालाघाट रेंज हिल से ऑरिजिनेट होती है। साथ ही मंजीरा को गोदावरी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी माना जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही गोदावरी रिवर पर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसे पोचमपाद डैम के नाम से भी जाना जाता है। मंजीरा रिवर के ज्वाइन होने के बाद जब गोदावरी रिवर आगे बढ़ती है तो 3 की ट्रिब्यूटरीज का पानी इसमें मिलता है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं पैन गंगा, वैन गंगा और वर्धा। इनमें वर्धा रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा रेंजेस से ऑरिजिनेट होकर आती है। वर्धा रिवर में पैन गंगा नाम की नदी आकर मिलती है, जो अजंता रेंज से ऑरिजिनेट होकर आती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में छपराला नाम की जगह पर वैन गंगा रिवर वर्धा में आकर मिल जाती है। वैन गंगा रिवर मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में महादेव हिल से ऑरिजिनेट होकर आती है और महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में छपराला नाम की जगह पर वर्धा रिवर से मिल जाती है। इसके बाद जो धारा आगे बढ़ती है वो प्राणहिता रिवर कहलाती है। प्राणहिता रिवर तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी रिवर में ज्वाइन होती है। मंजीरा के बाद मनेर रिवर गोदावरी में ज्वाइन होती है, जो इस नदी की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद गोदावरी में आकर मिलन होता है इंद्रावती का। इंद्रावती रिवर गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में थुआमूल रामपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होकर आती है। यहाँ आपको बता दें कि तेलंगाना के करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इंद्रावती रिवर और गोदावरी रिवर मिलती हैं, उसी के पास इच्छमपाली प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल के उद्देश्य से 2008 में बनाया गया था, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के स्टेक्स हैं। तेलंगाना में धीरे धीरे गोदावरी रिवर साउथ ईस्ट डायरेक्शन लेना शुरू कर देती है और ये आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाती है। आंध्र प्रदेश के कुनावरम विलेज में साबरी रिवर गोदावरी में आकर ज्वाइन हो जाती है। साबरी गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो ओडिशा के सिंकारम हिल रेंजेस से ऑरिजिनेट होती है। साबरी रिवर के ज्वाइन होने के बाद गोदावरी रिवर आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में एंटर करती है, जहां इसका फ्लो काफी कम हो जाता है और ये कई स्ट्रीम में बढ़ जाती है। पहले रिवर गोदावरी 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इसके एक ब्रांच को गौतमी या गौतमी गोदावरी कहते हैं, वहीं दूसरी स्ट्रीम वशिष्ठ गोदावरी कहलाती है। आगे चलकर ये दोनों स्ट्रीम फिर दो दो धाराओं में बढ़ जाती है और राजमुंद्री सिटी के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश की एक सिटी है, जिसे गोदावरी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। बे ऑफ बंगाल में गिरने के बाद ये सभी स्ट्रीम यहाँ बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इस डेल्टा में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। वहीं गोदावरी डेल्टा के पास ही कृष्णा रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा भी है। गोदावरी और कृष्णा रिवर यहाँ जो बेसिन फॉर्म करती हैं, उसे केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। ये बेसिन नेचुरल गैस का एक मेजर सोर्स है और ऐसे खत्म होता है नासिक की त्रिम्बकेश्वर हिल से शुरू हुआ इस दक्षिण गंगा या गोदावरी का सफर। दोस्तों, गोदावरी रिवर का होली गंगा की तरह ही कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। कई ऐतिहासिक पुराणों में इस नदी का उल्लेख है। रामायण से लेकर वराह पुराण व ब्रह्म पुराण में भी इसकी प्रमुखता का उल्लेख मिलता है। इस नदी को बूढ़ी गंगा और प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी रिवर की 7 धाराएं हैं, वशिष्ठा, कौशिकी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाजी, आत्रेयी और तुल्या, और यही 7 धाराएं सप्त गोदावरी कहलाती हैं। पुराणों में इन्हें महापुण्य प्राप्ति का कारक बताया गया है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सप्त गोदावरी में स्नान करने से महापुण्य और देवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जहां से गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट होती हैं, यानी त्रिम्बकेश्वर में, वहां त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो हिंदू धर्म की 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है। इसके अलावा गोदावरी रिवर जब अपने ऑरिजिन पॉइंट से आगे बढ़ती है तो नासिक में ही इसके किनारे एक फेमस रिलीजियस प्लेस है, जिसे पंचवटी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ कुछ समय बिताया था। पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ों का समूह है, जहां वनवास के समय भगवान राम ने अपना निवास बनाया था। वहीं नासिक में गोदावरी के तट पर कुंभ मेला लगता है। इस कुंभ को पुष्करम कुंभ भी कहा जाता है। आपको बताते चलें कि कुंभ मेला देश के धार्मिक महत्व वाली नदियों के तट पर लगता है, जिनमें उज्जैन में शिप्रा, हरिद्वार में गंगा और प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम शामिल है। दोस्तों, गोदावरी अपना सफर लगभग देश के बीच से होते हुए पूरा करती है। ये वो नदी है जो पश्चिम में महाराष्ट्र से लेकर पूरब में आंध्र तक में जीवन को चलाए रखने का काम करती है। साथ ही इस नदी से जुड़ी आस्था को भी किसी मायने में कम नहीं आंका जा सकता। जो गंगा हमारी सबसे पवित्र और खास नदी है, उसी तरह गोदावरी को भी देखे जाने की और उसे स्वच्छ रखने की जरूरत है।
आज इस नदी के किनारे चल रही ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते इस नदी का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। ऐसे में गंगा की ही तरह गोदावरी को भी एक नमामि प्रोग्राम की दरकार है। और इसी आशा के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, मंजीरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी। स्टेटमेंट बी, राजामुंद्री इज द बिगेस्ट सिटी ऑन गोदावरी रिवर सिचुएटेड इन तेलंगाना स्टेट। स्टेटमेंट सी, प्राणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। स्टेटमेंट डी, तेलंगाना इज अ स्टेट विथ लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया ऑफ गोदावरी रिवर। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।